नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह आपका स्वागत करती हूं प्रेरणा न्यूज में। हिंदू आतंक शब्द कांग्रेस द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन हिंदू आतंकवाद के नाम पर जिन मामलों का जिक्र किया जाता है उनके पीछे छिपे तथ्यों को सामने लाना जरूरी है, जिसके चलते इंटरनेट पर हिंदू आतंक पर आधारित 4 डॉक्यूमेंट्रीज को रिलीज किया जाएगा। शनिवार दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संचार और आउटरीच विंग विश्व संवाद केंद्र हिंदू आतंकवाद के विषय पर आधारित पहली डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेगा। यह इंटरनेट या कहें कि YouTube पर रिलीज होने वाली मालेगांव और मक्का मस्जिद विस्फोट मामलों पर केंद्रित 4 डॉक्यूमेंट्रीज की श्रृंखला में से पहली डॉक्यूमेंट्री है। निर्माता के अनुसार पहली डॉक्यूमेंट्री भगवा आतंक भ्रम जाल केस डायरी पर आधारित है। वे इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए उन कारणों को सामने लाना चाहते हैं जिनके आधार पर अदालतों ने अपने फैसले दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसको लेकर बुरके पर प्रतिबंध लगाने की मांग लगातार सामने आ रही है। इसी बीच केरल के एक मुस्लिम कॉलेज ने अपने परिसर में बुरके पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे लेकर धार्मिक कट्टरता के पर्यायवाची देवबंदी उल्मा ने नाराजगी जताई है। केरल के मल्लपुरम में अल्पसंख्यक कॉलेज में बुरका पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कॉलेज मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित है। फतवा ऑनलाइन के चेयरमैन मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा, इस तरह बुरके पर पाबंदी लगाना शरीयत के खिलाफ है और कॉलेज के प्रबंधन को यह फैसला वापस लेना चाहिए। मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमी मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन ने बुरके पर पाबंदी लगाकर इस्लाम पर पाबंदी लगाने का काम किया है। खुर्जा में आयोजित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4th सरसंघचालक श्री राजेंद्र जी की स्मृति में कार्यक्रम। राजेंद्र सिंह जी उर्फ रज्जू भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4th सरसंघचालक थे। खुर्जा के सिटी स्टेशन मार्ग स्थित उत्सव बैंकेट हॉल में उनकी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। रज्जू भैया सादा जीवन और उच्च विचार के समर्थक थे। उनकी सरल भाषा और कुशल वक्तव्य सभी को मंत्रमुग्ध कर लेते थे। आखिर में नजर डालते हैं भारत के इतिहास में आज के दिन क्या हुआ खास। 1830 में आज के दिन विश्व की पहली भाप इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था। 1913 में भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद रिलीज हुई थी, जिसको दादा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसी दिन 1969 में भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ था। प्रेस समाज का आईना होता है। किसी भी देश की प्रेस को अभिव्यक्ति की आज़ादी होना बेहद ज़रूरी है। 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के दिन को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।